किचन में आई हुई हूँ आज बहुत ज्यादा थक गई शकल देख के बता सकते बहुत गंदी हो रही है शकल एंड अभी यहाँ पे मतलब पूरे खिड़की वगैरह सब जगह ना पेंटिंग चल रही है एंड पेंटिंग इसमें से ठीक आ रही है बार बार मम्मी और दीदी जा रही है एक फंक्शन में मम्मी बहुत अच्छी लग रही है आप बाय एंड ये दीदी दीदी बहुत स्मार्ट लग रही है आप वो रे गिफ्ट बाय हाँ मैं पढ़ाई करूँगी दादी मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन है आप, अच्छा, मुझे आपके बारे में कुछ जानना था तो आप अपने बारे में बताना आज की वीडियो में क्या बताऊं मेरे बारे में <laughs> जैसे पैरों में दर्द हो रहा है कमर में दर्द हो रहा है यही तो है आज कल नहीं दादी आपका क्या बोलते हैं जो छोटी थी तो आपका कोई निकनेम था क्या बुलाते थे सब आपको गिन्नी गिन्नी अच्छा क्वेश्चन और आप बड़े होके क्या करना चाहती थी जब आप छोटी थी आपका ड्रीम क्या था कोई ड्रीम नहीं था हमारा मतलब कुछ नहीं थोड़ा पढ़ लिख लेंगे फिर हाँ, तो क्या छोटी उम्र में शादी कर दी हो गया काम ड्रीम अब तो अब ड्रीम है पहले कौन सी नहीं है अब तो ये है कि मेरे पैर ठीक हो मैं स्वस्थ रहूँ ये ड्रीम है मेरी अच्छा। कोई ड्रीम नहीं है बेटा आदि आप कहाँ पे बॉर्न हुई थी गाँव में अरे कौन से गाँव में कहां पे आप अपने कुछ तो याद होगा कुछ नहीं याद। अच्छा, आप अपने दोस्तों के नाम बताओ? है बाद में तो थे ही मतलब उस टाइम पे एक भी टीवी शोज नहीं थे कब जवाब छोटी थी कुछ टीवी नहीं थे और क्या रेडियो भी कोई कोई कहीं कहीं था रेडियो भी नहीं थे तो पूरा दिन करती क्या आती स्कूल जाती थी आती थी खाती थी पीती थी खेलते कूदते थे और क्या था कितना बोरिंग नहीं रहता होगा तो, तो बिना टीवी फोन के राय गाइस अभी दीदी और मम्मी आ चुकी हैं एंड अभी मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी सो आज मैं ज़्यादा कुछ व्लॉग में नहीं बना रही हूँ क्योंकि यार मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं दो तीन दिन में एग्जाम शुरू हो रहे हैं सो इसलिए आज ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे व्लॉग में सो यार दैट इज़ इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच वॉचिंग लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली बाय